हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी यूजी एस्पिरेंट्स जो कि सीयूईटी का एग्जाम लिखने वाले हैं फॉर द ईयर 2024। और यूजी के साथ तुम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहे हो, सेंट्रल टीम, प्राइवेट या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम इस वीडियो में सीयूईटी यूजी को लेकर फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ तो इनके होम पेज पर तुम्हें दिख जाएगा कि रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ ओपन। CUT UG applicants, universities and their offered programs are dynamic and are being updated regularly। तो तुम्हें रोज़ की रोज़ इसकी वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना चाहिए क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डे बाई डे यहाँ पर ऐड होते जा रही है। अगर तुमने पहले कभी चेक करी थी और तुम्हारी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिस्टेड नहीं थी तो फिर से एक बार उसको चेक कर लो, हो सकता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसमें लिस्ट हो जाए। तो इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो अभी स्टार्ट हैं तो आखिर तक इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, गलतियाँ मत करना बिल्कुल भी अपने फॉर्म फिलिंग करते वक्त, क्योंकि हो सकता है बाद में शायद तुम्हें कोई एडिटिंग विंडो या फिर करेक्शन विंडो ना मिले। तो उसके पहले एक बार यूनिवर्सिटीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तुम आकर अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हो। यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी लिस्टेड हो चुकी है और इनको बाइफरकेट भी कर दिया गया। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें देखनी है तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तुम चेकआउट कर सकते हो, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट डाउन हो चुकी है। उसके नीचे तुम अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हें मिलता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद नीचे मिलती है तुम्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर आकर तुम अपनी यूनिवर्सिटीज़ चेक कर सकते हो। अब चलेंगे इसके फॉर्म फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर तुम्हें एक लिंक दिख रही होगी CUET UG 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन स्लैश लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर तुमने पहले रजिस्ट्रेशन करा था तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर और ये सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करना है। और अगर तुम पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करना है। तीन स्टेप होंगे तुम्हारे, पहले तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा स्टेप होगा तुम्हारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा स्टेप होगा एग्जामिनेशन फीस तुम्हें पे करनी है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। चाहो तो तुम यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर स्क्रॉल डाउन करके ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ भी सकते हो और ये पढ़ भी लेना। चॉइस ऑफ टेस्ट, जनरल, OBC, NCL, EWS, SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, ये कुछ कैटेगरीज हैं। पहले तीन सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है और जितने भी तुम एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ करते जाओगे उसके ऊपर ईच एडिशनल सब्जेक्ट विल कॉस्ट यू 400 रुपीज़। सेम गोज़ विथ EWS, पहले तीन सब्जेक्ट के लिए 900 रुपीज़ है, उसके ऊपर हर एक एडिशनल सब्जेक्ट कॉस्ट होगा 375 रुपीज़। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर तुम अपने सब्जेक्ट्स और एडिशनल सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। इफ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तुम्हें जो गो थ्रू करनी है। उसके नीचे यहाँ पर आके तुम्हें इस बॉक्स को चेक करना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये पूछ लेगा। Kindly use your आधार कार्ड identity proof, don't use your parents' relative identity। तो तुम्हारा खुद का ही यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट। आई हैव एन एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट्स ID, आई डू नॉट हैव एकेडमिक बुक्स ऑफ क्रेडिट ID। आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट, आई हैव अ पैन कार्ड, आई हैव एन नॉन इंडियन पासपोर्ट। तो यहाँ से तुम जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो तुम वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आधार कार्ड पर वाले पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे अपना आधार नंबर डालना है। तो अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो कुछ भी तुम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टिक करना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट लेकर बैठना क्योंकि उस पर तुम्हारी OTP जनरेट होने वाली है। एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। तो एक OTP आ चुकी है। तो अब हमने लॉगिन कर लिया है, अब चालू करते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर आधार के हिसाब से हमारा नाम आ जाएगा, फादर्स नेम हमें यहाँ पर डालना है, नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, आइडेंटिटी टाइप, कौन सा आइडेंटिटी टाइप तुम यहाँ पर देना चाहते हो, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, क्लास 12th का एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड। तो तुम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आई सिलेक्ट पैन कार्ड। आइडेंटिफिकेशन नंबर भी तुम्हें यहाँ पर देना होगा। उसके बाद तुम्हें अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, लोकेलिटी अपनी फिल कर लेनी है, सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो। कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है एक बार, फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी तुम्हें अपना सिलेक्ट करना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड डालना है, बड़े ध्यान से डालना पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मेक श्योर कि तुम जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे रहे हो
थ्रू आउट द प्रोसेस वो सेम रहे, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स तुम्हें ईमेल आईडी पर ही आने वाले हैं, और सेम गोज़ विथ योर फ़ोन नंबर एज वेल। तो जो भी फ़ोन नंबर तुम दोगे लास्ट प्रोसेस तक सेम रखना। यहाँ पर अगेन अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर लेनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर कंट्री कोड सिलेक्ट कर लो, मोबाइल नंबर डाल दो, आई रिपीट अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम ही रखना, अपने पास रखना और वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन तुमसे मिस नहीं होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर देना चाहो दे सकते हो, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। फिर आएगा तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, अगर तुमने जो पहले एड्रेस भरा था और तुम्हारा परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर लो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारा एड्रेस फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पासवर्ड तुम्हें सिलेक्ट करना है, पासवर्ड मस्ट कंटेन 8 to 13 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लोअर केस, 1 अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो उस हिसाब से अपना पासवर्ड सेट करना और पासवर्ड को कहीं लिख के रख लो, सो दैट तुम फ्यूचर में कभी भूलो ना। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें सिलेक्ट करना है, वॉट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, योर बर्थ सिटी, योर नेबर्स पेट नेम, योर रजिस्ट्रेशन नंबर या फेवरेट बुक, तो कुछ भी तुम यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन तुम्हें एंटर करनी है। तो हमारे सामने यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फॉर्म आ चुका है, जो भी तुमने यहाँ पर चीज़ें भरी हुई है इनको एक बारी वापस यहाँ पर चेक कर लेना। कैंडिडेट नेम तुमने सही भरा हुआ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और तुम्हारा एड्रेस, ये सारी चीज़ें सही हैं, कुछ भी गड़बड़ मत करना। एंड आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। अगर तुम्हें कुछ भी एडिट करना है, तुम्हें ऐसा लगता है कोई भी चीज़ें तुमने जो भरी है वो गलत है, तो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? यस। तो हमारा यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है, यहाँ पर ओटीपी हमें एंटर कर देनी है। तो अपना ईमेल आईडी इसलिए मैंने कहा था कि सेम रखना, क्योंकि ईमेल पर ही तुम्हें ओटीपी मिलने वाली है। अब वेरीफाई कर देंगे। तो लॉगिन करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, एक एक करके सारी चीज़ें हमें फिल करनी है। तो दूसरा स्टेप जो है हमारा वो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करो और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हमने फिल करी थी वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारे आएगी पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक कर लो, जो भी डिटेल्स तुमने पहले से फिल करी थी वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगी। कुछ चीज़ें हमें और एडिशनली यहाँ पर भरनी है, जैसे हमारी कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक करो तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी आ जाएगी, जनरल कैटेगरी हो तो जनरल पर सिलेक्ट कर लो। उसके अलावा कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर उसका तुम्हारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो, नहीं है तो उसको फटाफट से बनाने के लिए दे दो। तो आई सिलेक्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी, स्टेट डोमिसाइल, कौन से स्टेट से तुम बिलोंग कर रहे हो वो वाला स्टेट तुम यहाँ पर मेंशन कर दो। आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? अगर यस तो यस पर क्लिक कर दो। 40% और मोर, ये एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। लेस देन 40% एंड हैविंग अ लिमिटेशन इन राइटिंग, या फिर नो, जो भी तुम सिलेक्ट कर रहे हो अगर यस सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके मेक श्योर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। सो आई सिलेक्ट नो। फादर्स एजुकेशन, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। फादर ऑक्यूपेशन, वो भी तुम अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। मदर एजुकेशन, अगेन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेना। मदर ऑक्यूपेशन, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम अकॉर्डिंगली, ये सारे मैंडेटरी चीज़ें। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स या फिर गार्डियन, तो वो भी तुम अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हो। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET UG? यस तो यस, नो तो नो। आर यू डायबिटिक? अगर यस तो यस, नो तो नो। कुछ भी चीज़ें यहाँ पर गलत फिल मत करना। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन सिटीज़ से तुम रिसाइड करते हो या फिर रूरल एरियाज़ में तुम रिसाइड करते हो, अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट कर लो। मोड ऑफ प्रिपरेशंस, कैसे तुमने प्रिपरेशंस करी है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, इंडिविजुअल ट्यूशंस, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, तो उस हिसाब से तुम इस ड्रॉप डाउन में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तुमने कौन से मीडियम में ये स्टडी किया है, यहाँ पर बहुत सारे मीडियम्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, SMEs, बंगाली, तो वो सारे तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इतना भरने के बाद तुम्हें यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारी पर्सनल डिटेल्स सेव हो चुकी है। अब आता है कोटा एंड कैटेगरी। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL जिसको बोलते हैं? यस तो यस, अगर यस कर रहे हो तो उसका भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट? यस तो यस, अगर यस कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन, अगर यस तो उसका भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर तुमने कोई NCC में पार्ट लिया था, अगर तुम उसके कोटे की क्लेम करना चाहते हो तो तुम्हारे पास अगेन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, कोई स्पोर्ट्स में तुमने पार्ट लिया था और उसके कोटे के थ्रू यहाँ पर तुम अप्लाई कर रहे हो, तो वो उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगेन वो सारी चीज़ें तुमने, वो सारी चीज़ों का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई एग्री पर क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। ये भी डिटेल्स हमारी सेव हो चुकी हैं। अब आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें हमारी 10th स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमें फिल करनी है। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म फिलिंग है, तुम देख सकते हो काफ़ी फटाफट जो है वो चीज़ें तुम्हारे सामने से पास ऑन होते जा रही है। रिजल्ट स्टेटस, पास्ट ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में तुमने पास करी थी वो यहाँ पर एंटर कर लो। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन सिटीज़ में की थी या रूरल एरियाज़ में, वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, गवर्नमेंट स्कूल था। ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से किया था, केंद्रीय विद्यालय से तुमने किया था, प्राइवेट अनएडेड से किया था, तो वो सारी चीज़ें तुम अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, कौन सी कंट्री से तुमने 10th पास करी थी, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से तुमने 10th स्टैंडर्ड पास करी थी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम ढूंढ कर उसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर तुम्हें अपना स्कूल का एड्रेस फिलअप करना है, पिन कोड यहाँ पर डाल दो, फिर आएगा तुम्हारा रोल नंबर। तो 10th की हॉल टिकट लेकर बैठना, जो भी 10th की हॉल टिकट में तुम्हारा नंबर होगा वो तुम्हें यहाँ पर फिल करना है। रिजल्ट मोड, तुम्हें परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या CGPA में, अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। टोटल कितने मार्क्स का ये पेपर था वो तुम्हें यहाँ पर फिल करना है, टोटल कितने मार्क्स मिले थे वो तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना है, और परसेंटेज ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। सेम वे तुम्हें यहाँ पर 12th की भी डिटेल्स फिल करनी है। रिजल्ट स्टेटस, पास कर ली है या तुम्हें अपीयरिंग हो, अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ स्कूल, अगेन यहाँ पर सब सिलेक्ट करना है। जैसे तुमने 10th स्टैंडर्ड के लिए डिटेल्स भरी थी वैसे ही तुम्हें 12th के लिए डिटेल्स भरनी है। जैसे तुमने 10th और 12th की डिटेल्स भर ली, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद आएगा यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो भी तुम्हें यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है उसको ड्रॉप डाउन में ढूंढ लो। फॉर एग्जांपल हमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सिलेक्ट करना है तो हमने वो सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पर हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करना है तो TISS में जितने भी प्रोग्राम्स वो ऑफर करते हैं तुम्हें वो सारी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ऐड करना है तुम्हें। अगेन हमें यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फॉर एग्जांपल हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसमें जो भी प्रोग्राम के लिए हमें जाना है, फॉर एग्जांपल हमें जाना है DALLB के लिए तो हमने उसको सिलेक्ट करके ऐड कर लिया। सेम वे हम यहाँ पर एक और एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, लेट्स गो फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें कौन से प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो हमने ले लिया BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, उसको भी ऐड कर लिया। तो ऐसे ही तुम अपनी डिज़ायर यूनिवर्सिटी और डिज़ायर प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो भी यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करी है, जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट किया हुआ है वो तुम्हारे हिसाब से सही है तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर हमें टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि एक नोटिफिकेशन आता है CUT UG को लेकर कि हम मैक्स टू मैक्स 6 टेस्ट पेपर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पहला टेस्ट पेपर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें से लैंग्वेज पहले सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो इंग्लिश हो गया। टेस्ट पेपर टू में अगेन हम कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, मराठी हो गया। टेस्ट पेपर थ्री, तो यहाँ से अगेन तुम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर सकते हो। कोई अगर डोमेन तुम्हें सिलेक्ट करना है तो डोमेन के लिए भी जा सकते हो, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो लैंग्वेज के लिए भी जा सकते हो। अपने हिसाब से 6 टेस्ट पेपर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने हैं। अब जैसे हमने टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 3 में एक डोमेन सिलेक्ट किया है विच इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो यहाँ पर मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर भी हमें पूछेगा कि हमें वो हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, मराठी में देना है या फिर उर्दू में देना है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लो। जैसे ही हमने सारी डिटेल्स भर ली, स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पर क्लिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। टेस्ट पेपर हमारे सेव हो चुके हैं। अब हमें देनी है एग्ज़ाम सेंटर एंड डिटेल्स की प्रेफरेंस। फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सेंटर, अपना खुद का स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और यहाँ से अपनी सिटी सिलेक्ट कर लो, तो अपनी खुद की ही सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। सेकेंड स्टेट, अगेन तुम्हें अपना खुद का स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी सिटीज़ तुम सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। तो तुम्हें अपने ही स्टेट से 4 अलग अलग सिटीज़ सिलेक्ट करनी है, तो ये हमने 4 अलग अलग सिटीज़ सिलेक्ट कर ली, स्टेट हमारा सेम ही रहेगा।
आई अग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब हमें अपलोड करना है अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन ये कहता है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो JPG या फिर JPEG में होना चाहिए, मिनिमम साइज़ होना चाहिए 10 KB और मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 200 KB। सिग्नेचर के लिए भी है JPG JPEG में होना चाहिए फॉर्मेट, मिनिमम साइज़ होना चाहिए 4 KB, मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 3 KB। एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेव हो चुके हैं। एक बारी पूरे फॉर्म को गो थ्रू कर लेना एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिखेंगे विच सेज़ प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिलो बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने से पहले सारा फॉर्म एक बार गो थ्रू कर लेना। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। तो ये जो बार दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, इन सारे टैब्स में से जाकर तुम्हें जो कुछ भी चेंजेस करने कर सकते हो। प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर क्लिक कर लेना एंड मोबाइल नंबर हमारे सामने आ जाएगा। कैप्चा डालकर हमें सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें मोबाइल पर OTP आया होगा तो वो OTP एंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रखना। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर अभी हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबमिट पर तुम्हें क्लिक करना है। अगर सारी डिटेल्स तुम्हारी सही है तो सबमिट पर क्लिक कर दो। अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर तुम्हें बार दिख रहा होगा यहाँ पर से तुम सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर आकर सबमिट पर क्लिक कर दो। सारी चीज़ें एक बार सबमिट करने से पहले चेक करनी है तुम्हें कि तुम्हारा नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, जेंडर, एड्रेस, सेंटर सिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल, कोर्सेस, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें सही हैं। आई एग्री पर क्लिक करो और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो और तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन फ़ी आ जाएगा। पे नाउ पर क्लिक करोगे तो तुम इन सारे पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हो। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट काफ़ी सिंपल है। अच्छे से देखना है ये वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग कर लेना। कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। गलती बिल्कुल भी मत करना और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो CUET UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं, कैसे फिलअप करना है उनको भी इस वीडियो के थ्रू पता चल जाए, सो दैट उनसे भी कम से कम गलतियाँ। नाउ टू ऑल दी एस्पिरेंट्स, दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर BBA थ्रू CUET, अलाउ मी टू टेक यू टू दी ऑफिशियल वेबसाइट एंड गाइड यू अबाउट दी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो तुम्हें बहुत काम आने वाला है तुम्हारे प्रिपरेशंस के लिए। ऑल राइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, यहाँ पर BBA एंट्रेंस पर आ जाओ। स्क्रॉल डाउन करोगे तो फुल कोर्स को चेकआउट करना है, क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन करो। जनरल टेस्ट के लिए अगर तुम जनरल टेस्ट वहाँ पर ऑप्ट कर रहे हो 6 सब्जेक्ट में से तो ये प्रोग्राम तुम्हें चेकआउट करना है जनरल टेस्ट के लिए, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं 455 वीडियो लेक्चर्स, 87 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर तुम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जा रहे हो यू हैव टू चेक आउट दिस प्रोग्राम, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं 62 वीडियो लेक्चर्स, 11 हैंडआउट्स एंड 5 मॉक टेस्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BBA एंड टारगेटिंग वेरियस यूनिवर्सिटीज फॉर दी BBA प्रोग्राम। इन प्रोग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि BBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CUET UG, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड इन प्रोग्राम्स के जरिए उनको कितना फायदा होने वाला है। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।